Sometimes I feel proud to say why I didn't born as a Christian. अपने पड़ोसी से प्रेम करें। मुझे इस विषय में बात करने में गर्व महसूस होता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करें। जब मैं क्रिश्चियन मिशनरी की कार्य योजनाओं को याद करती हूँ, वे लोग बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय बिशप थॉमस को, जो कोलकाता के हैं, और दूसरे आए हुए सभी आदरणीय बिशपगण और असेंबली के राजनेता, आदरणीय अतिथि, प्रिय दोस्तों, शिक्षकगण और भाइयों बहनों, आप सभी को प्रणाम। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम में आने का निमंत्रण मिला, जिसका विषय है अपने पड़ोसी से प्रेम करें। मुझे इस विषय में बात करने में गर्व महसूस होता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करें। जब मैं क्रिश्चियन मिशनरी की कार्य योजनाओं को याद करती हूँ, वे लोग बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं, खासकर सामाजिक सेवा के कार्य और शिक्षा की सेवा और सुधार के कार्य भी। वे लोगों के पास 54,937 स्कूल लगभग और लगभग करोड़ों छात्र, वे लोगों के पास लगभग 30 लाख से ज़्यादा वर्कर हैं और 1,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल है, जो हमारे मिशनरी लोग कार्य को कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे कर रहे हैं। खासकर मैं धन्यवादित हूँ नन और भाइयों बहनों और बिशप का और सभी दोस्तों का, जो फील्ड में हमारे गरीब और ठुकराए हुए लोगों के लिए काम करते हैं, और यही आपके कार्य की खूबसूरती है। मैंने कई मिशनरी भाई बहनों को कोलकाता में देखा है, चाहे वो नॉर्थ बंगाल टी गार्डन से लेकर कोलकाता तक हो। ये कहने में बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैंने क्यों एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म नहीं लिया। मुझे अच्छा लगता है क्रिसमस के प्रोग्राम में जाना। मैं उन लोगों के प्रोग्राम में शामिल होती हूँ। हमारे पास बिशप थॉमस बैठे हैं, वे जानते हैं मैं क्रिसमस से पहले संत जेवियर कॉलेज में जाया करती थी। मैं मदर टेरेसा को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मुझे उससे मुलाकात की 2 या 3 घटनाएं याद हैं, जो आपको बताती हूँ। मुझे याद है एक बार उसने मुझे रात के 11 बजे कॉल किया था। मदर ने कहा, ममता क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैंने कहा, मदर क्या हुआ बोलिए। उसने बताया, कोई मेरे आश्रम को हत्याना चाहता है, कृपया मेरी मदद करो। फिर मैंने उसकी मदद की उसके आश्रम को बचाने में। और एक बात मुझे याद है, यहाँ डॉक्टर काकुली घोष भी मौजूद है। बात उस समय की है जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। उस समय कोलकाता में बहुत बड़ा जंग छिड़ गया था। उस समय मैं कुछ जगह घूम रही थी बाहर के सिचुएशंस को देखने के लिए। एक दिन मैंने मदर टेरेसा को देखा। मैंने मदर को छोड़कर दूसरे राजनीतिक नेताओं को नहीं देखा। मैंने मदर को देखा, वो सियालदा लोरेटो के कैंपस के समीप पहुंची थी गरीबों के मदद के लिए। फिर मैंने बोला, मदर आप सड़क पर हैं? उसने भी हंसते हुए कहा, आप भी सड़क पर ही हैं। इतना गहरा संबंध हम दोनों के बीच में था। मैं कभी नहीं भूल सकती जब मुझे वेटिकन से निमंत्रण मिला था। मेरे साथ बिशपगण भी थे। और ये एक ऐतिहासिक बात है, जब यीशु ने कहा था अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आज का आखिरी चर्चा इसी में है, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो।